जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना, बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल? मैं कहता टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा 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 पता है, मुझे पता है साला बापू तू बहुत खतरनाक है, मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूं चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है, क्योंकि चुनना अपने जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ जिंदगी है। चुनो, ये व्यवसाय ये प्रोफेशन को चुनता है जो आदमी। अच्छा करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। अगर मैं मेरे बच्चों को पुचकारू ना ऐसे, बेटा मैंने तुम्हारी इतनी व्यवस्था तो कर दी कि तुम्हें जिंदगी में किराया इतना आएगा कि तुम्हारी तो कट जाएगी, तो मस्त रहो ना। मैं साड़ों की ऐसी तशरीफ लाल करता हूं इनकी दोनों की, क्योंकि मेरी हुई थी, पिताजी की हुई थी, दादाजी की हुई थी, परंपरा डैडी परंपरा, दादाजी गए थे, आप गए थे, मुझे भी लंदन जाना पड़ेगा। याद आया डायलॉग, कभी खुशी कभी गम, तो मेरे बापू की हुई थी, मेरी भी हुई थी, तो तुम्हारी भी होगी। क्यों? 5 वर्ष से पहले कभी बच्चे को मारना नहीं, ये विज्ञान है। 16 से बाद में कभी सोचना भी मत, लेकिन 6 से लेके 15 तक महान अवसर है, महान अवसर है। सारा गुस्सा, ये प्रकृति अवसर इसलिए देती है, और किसी को आप मार भी तो नहीं सकते। ये आइटम मिले क्यों हैं? हाथ साफ कर लो। और मैं बात मजाक में कह जाता हूं लेकिन काम की कहता हूं। एक दुनिया की बहुत बड़ी सर्वे कंपनी जिसने सर्वे किया था, उसने 55,000 वृद्धाश्रमों पे सर्वे किया था जाके दुनिया में, उनसे पूछा क्या तुमने तुम्हारे बच्चों को तकलीफ दी थी क्या जो छोड़ गए? 98% माँ बाप ने बोला काश हम उनकी तशरीफ लाल कर लेते, उनको प्यार ज्यादा दिया था। जिन बच्चों को प्यार ज्यादा मिलता है वो बच्चे एक दिन जवाई ले जाते हैं बेटी, बहू ले जाती है पूत, अपन रहते हैं ऊत के ऊत।